हाँ, थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगवेरपुर क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, एक बदमाश यहाँ पर सक्रिय है। पुलिस द्वारा जब चेकिंग अभियान लगाया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। बदले में पुलिस टीम ने भी फायर किया जिसमें बदमाश घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम रईसुद्दीन है और ये बिजनौर का निवासी है। इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए हैं। ये इंदौर में भी इसके ऊपर मुकदमा है। अभी 2 महीने पहले जो नैनी में एक 2 लाख की टप्पेबाजी की घटना हुई थी उसको भी इसने कारित किया था। प्रारंभिक जांच में और भी तथ्य सामने आए हैं। इसको अस्पताल भेज दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।